हेलो गाइस, मैं शशि हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हिमाचल की नदियां। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हिमाचल का गठन। उसमें हमने पढ़ा था कि हम हिमाचल प्रदेश आपका मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब तक रहा, उसके बाद शीर्ष श्रेणी कब तक रहा, तथा जो हिमाचल प्रदेश है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा, और उसमें जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे या मुख्य आयुक्त थे या आपके सीएम थे वो कौन कौन रहे हैं। नेक्स्ट हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश में बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, उससे छोटा कौन सा, सब हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। जो आज का वीडियो नदियों के ऊपर है, चलो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से और आसान बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हिमाचल की नदियाँ, सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि वह नदी कौन से जो हिमाचल में नहीं बहती है, अक्सर उसमें उसका आंसर झेलम होता है, क्योंकि झेलम आपकी कहाँ बहती है, J&K में बहती है। तो ये सब आप एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे पढ़ेंगे। नदियों में से क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश की बड़ी नदी कौन सी है, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे ज्यादा और किसका सबसे कम है, ये सब हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। उसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये हिमाचल के बाहर से कौन सी नदियां एंटर करती हैं, तथा हिमाचल के अंदर कौन सी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की नदियां। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां हैं, 5 नदियां। उसके लिए आप ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं कि सब क्राई, मतलब कि सभी रोए, सब क्राई, CRY, सब क्राई, सब क्राई, SBCRY, S से बनेगा आपका सतलुज, B से बनेगा ब्यास, C से बनेगा चिनाब, R से बनेगा रावी, और Y से बनेगा यमुना। और ये जो ट्रिक है ये किस चीज का है, इनका जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रिक है सब क्राई। मतलब सतलुज नदी सबसे बड़ी, सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, कितना है वो है आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। उसके बाद जो नदी आती है वो है ब्यास नदी, ब्यास नदी, ये जो ब्यास नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो हमारी रिवर है वो है चिनाब, जो चिनाब रिवर है उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो रिवर है वो है रावी, जो हमारी रावी रिवर है उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो लास्ट में जो रिवर बसती है वो है यमुना, जो हमारी यमुना रिवर है उसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे जल ग्रहण क्षेत्र हैं। आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिस जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, तो कौन सी है, सतलुज नदी, दूसरे नंबर पे ब्यास, तीसरे पे चिनाब, उसके बाद रावी, फिर आया आपकी यमुना। अगर इन्हीं नदियों के बारे में हम पढ़ें आगे की, ये जो सतलुज नदी है इसका टोटल विस्तार कितना है, मतलब ये कि जहां से ये निकलती है, जहां पे मर्ज होती है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, तो ये जो सतलुज रिवर है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1448 किलोमीटर, यह इसकी टोटल लेंथ है। कितनी है, 1448 किलोमीटर, किसकी, सतलुज नदी की। परंतु इसका हिमाचल में प्रवाह कितना है, तो सतलुज नदी का जो हिमाचल में प्रवाह है वो है 320 किलोमीटर, ये है आपका इसका हिमाचल में प्रवाह, किसका, सतलुज नदी का। अगर मैं बात करूं कि सतलुज नदी का वैदिक नाम और संस्कृत नेम क्या है, सतलुज नदी, अगर हम इसके वैदिक नाम की बात करें तो इसका वैदिक नाम है सतुद्री, यह इसका वैदिक नाम है, वैदिक नाम है इसका सतुद्री। और सतलुज नदी का जो संस्कृत नाम है वो है शुतुद्रु या शुतुद्री, ये इसका संस्कृत नेम है। और ये जो सतलुज नदी है ये आपकी, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सतलुज नदी का ओरिजिन आपके तिब्बत के मानसरोवर के पास राक्षसताल झील से होता है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि यह हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, तो ये सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रा से प्रवेश करती है, शिपकी दर्रा,
यह हिमाचल में प्रवेश करती है, सतलुज रिवर है जो वो शिपकी दर्रा से, शिपकी दर्रा कहाँ पड़ा आपका, किन्नौर में। मतलब ये कि किन्नौर की शिपकी दर्रा से सतलुज नदी हिमाचल में प्रवेश करती है, उसके बाद यह हिमाचल को छोड़ती कहाँ पे है, तो हिमाचल को छोड़ती है बिलासपुर के नैला नामक गांव के पास, हिमाचल को छोड़ देती है। अगर इसके बारे में हम और बात करें तो ये जो सतलुज नदी है इसका सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो हैं आपकी बसपा और स्पीति। बसपा और स्पीति सतलुज नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये जो बसपा नदी है ये स्पीति नदी है। बसपा कहां से निकलती है, बसपा निकलती है आपकी सांगला घाटी, सांगला घाटी। तो सांगला घाटी कहां पड़ती है, ये जो सांगला घाटी है ये कहां पड़ती है, किन्नौर में। सांगला घाटी पड़ी आपकी किन्नौर में, सांगला घाटी पड़ती है किन्नौर में। परंतु ये जो आपकी सांगला घाटी से बसपा रिवर निकलती है ये सतलुज नदी में मिलती कहां पे है जाकर के, तो जो सांगला घाटी से आपकी बसपा रिवर निकलती है वह सतलुज नदी से किन्नौर में ही कड़छम के पास मिलती है। कहां पे, याद रखिएगा, कड़छम के पास आपकी किससे मिलती है, वो सतलुज रिवर से मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर कि स्पीति नदी, स्पीति नदी कहां से निकलती है, ये जो स्पीति नदी है ये जो स्पीति नदी है ये लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रा, कहां, क्या बताया मैंने, कुंजुम दर्रा। ये जो कुंजुम दर्रा है ये लाहौल और स्पीति के बीच में है, कुंजुम दर्रा, यहां से स्पीति नदी निकलती है। तथा यह सतलुज में कहाँ जाके मिलती है, मतलब कि सतलुज में कहाँ मर्ज होती है, तो सतलुज में मर्ज होती है यह खाब नामक जगह पर। और ये खाब नामक जगह कहाँ पे है, ये है आपकी किन्नौर में। और लगभग यह 112 किलोमीटर की दूरी तय करके आपकी सतलुज रिवर में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी, आपकी स्पीति नदी, किससे मिलती है, सतलुज से 112 किलोमीटर की दूरी तय करके। अगर और हम सतलुज नदी के बारे में बात करें तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है, सबसे बड़ा सहायक खड्ड पूछा गया है तो आपका सीर खड्ड। सीर खड्ड सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। अगर मैं और बात करूं यहाँ पे, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सतलुज नदी को सबसे अधिक पानी इसकी कौन सी सहायक नदी से मिलता है, ट्रिब्यूटरी से मिलता है, तो मिलता है आपका स्पीति। अगर ये पूछा जाए कि सतलुज नदी को सबसे अधिक पानी कौन सी रिवर से मिलता है, तो आपका स्पीति रिवर से सतलुज नदी को सबसे अधिक पानी मिलता है। तो ये थी हमारी सतलुज नदी। इसके बारे में, इसके आगे हम बात करें ब्यास रिवर के बारे में, तो ब्यास रिवर का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो बताया मैंने आपको 12,000 स्क्वेयर किलोमीटर। तथा ये जो ब्यास रिवर है इसका हिमाचल टोटल लेंथ कितनी है इसकी, तो इसकी जो टोटल लेंथ है ब्यास रिवर की 460 किलोमीटर, 460 किलोमीटर ब्यास रिवर की कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। तथा इसका हिमाचल में प्रवाह कितना है, तो हिमाचल में प्रवाह है 256 किलोमीटर। किसका, ब्यास रिवर का हिमाचल में प्रवाह है 256 किलोमीटर, पर इसकी कुल लेंथ कितनी है, 460 किलोमीटर। अब मैं बात करूं इसके वैदिक नेम और संस्कृत नेम पे, तो जो इसका वैदिक नाम है ब्यास नदी का वो है अर्जकिया, अर्जकिया यह इसका क्या है, इसका वैदिक नाम है। तथा इसका संस्कृत नेम है इसका विपाशा, विपाशा इसका संस्कृत नेम है। यह अब इस ओरिजिन कहां से होती है, ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से। और ब्यास कुंड कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका कुल्लू में। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास नदी को कौन से दर्रे का पानी मिलता है, तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे का पानी ब्यास रिवर को मिलता है, रोहतांग दर्रा। ओरिजिन कहां से, कुल्लू से। उसके बाद यह मंडी में प्रवेश करती है तथा मंडी की हमीरपुर से सीमा बनाती हुई आपके कांगड़ा में प्रवेश करती है। और कांगड़ा पर ब्यास नदी पर एक बांध भी बनाया गया, 3 बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद यह नदी कांगड़ा के मिर्थल नामक जगह से, याद रखेंगे कांगड़ा में एक जगह है आपकी मिर्थल, मिर्थल नामक जगह से हिमाचल को छोड़ देती है। आपका ओरिजिन कहां से हुआ, ब्यास कुंड, कहां पड़ा, कुल्लू में। और आपकी छोड़ती कहां पे, मिर्थल, कहां हुआ ये आपका,
कांगड़ा में, मतलब कि कांगड़ा के मिर्थल नामक जगह से हिमाचल को छोड़ देती है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें कि ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ब्यास नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है पार्वती नदी। ध्यान से सुनेंगे, ब्यास नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो पार्वती नदी। और इससे भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि यूरेनियम कौन सी नदी में पाया जाता है, तो पार्वती नदी में यूरेनियम धातु पाई जाती है। याद रखेंगे, पार्वती नदी में यूरेनियम धातु पाई जाती है। बात करो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, मंदलाई झील से निकलती है आपकी, फिर कुल्लू के शमसी के पास आपके ब्यास जाकर के मिल जाती है, आपकी ब्यास रिवर। नेक्स्ट मैं बात करूं चिनाब, अगर मैं चिनाब की बात करूं तो अभी आपको बताया कि चिनाब नदी की जो कुल लंबाई है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। ये ट्रिक लिखवाया आपको जल ग्रहण क्षेत्र का, ये इसका ये क्या है ये लिख देता हूं यहां पे मैं, जल ग्रहण क्षेत्र, ये सारा टोटल यहां पे क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र। तो चिनाब नदी जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 7500 स्क्वायर किलोमीटर। तथा चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो चिनाब नदी की कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर। तथा इसका हिमाचल में प्रवाह कितना है, 122 किलोमीटर, 122 किलोमीटर ये इसका हिमाचल में प्रवाह है। मैं बात करूं इसके वैदिक नाम की, तो चिनाब का वैदिक नाम क्या है, असी कनी। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है असी कनी। अब चिनाब निकलती कहां से है, तो चिनाब की बात करूं तो चिनाब बनती है दो नदियों के मिलने से, कौन सी, चंद्रा और भागा। ये दो नदियां हैं जो कि बारालाचा दर्रा से निकलती हैं। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि चिनाब नदी का उद्गम कौन से दर्रे से होता है, तो बारालाचा दर्रा कहां पड़ता है, लाहौल स्पीति में। तो ये जो चंद्रा नदी है ये निकलती है चंद्रनाहन झील से, और भागा निकलती है आपकी चंद्रताल झील से निकलती है आपकी। अगर मैं यहां पे बात करूं कि चंद्रा जो रिवर है आपकी वो कहां से निकलती है, चंद्रा जो निकलती है वो निकलती है चंद्रताल झील से, और भागा निकलती है आपकी सूरजताल से। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चंद्रताल और सूरजताल में कौन सी ज्यादा हाइट पे स्थित झील है, तो याद रखेंगे सूरज बड़ा होता है चंद्रमा छोटा होता है, तो सूरजताल ज्यादा हाइट पे स्थित झील है। चंद्रा और भागा दो नदियां मिलकर के किस नदी का निर्माण करती हैं, चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि चंद्रा और ये जो भागा है ये कहाँ पे आकर के मिलती हैं, तो चंद्रा और भागा मिलती हैं तांडी नामक जगह पर आकर के मिलती हैं। कौन सी, चंद्रा और भागा, उसके बाद इसका नाम क्या होता है, चिनाब। ठीक है जी, आपकी लाहौल स्पीति से रिवर चली, उसके बाद ये रिवर प्रवेश करती है कहाँ पे, चंबा में, और चंबा में छोड़ती कहाँ है, तो चंबा के संसारी नाला नामक जगह से हिमाचल को छोड़ देती है। याद रखेंगे कि ओरिजिन किस किस से, चंद्रा और भागा के मिलने से किस चीज का निर्माण हुआ, चिनाब रिवर का। बाकी आपकी छोड़ती कहाँ पे है, तो आपके संसारी नाला के पास, कहाँ पड़ा आपका, ये पड़ा आपका फिर चंबा में। तो ये थी हमारी चिनाब नदी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास रावी। ये जो रावी नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 5451 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ब्यास नदी की टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। और इसका हिमाचल में प्रवाह कितना है, 158 किलोमीटर। इसका हिमाचल में प्रवाह कितना है, 158 किलोमीटर, और इसकी जो आपकी कुल लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। याद रख सकते हैं कि आपके जो वेद है पुरुषों लिखे, तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषनी। तथा इसका जो संस्कृत नेम है वो है ईरावती। रावी नदी का संस्कृत नेम है।
बात करूं कि रावी नदी आपकी बनती कैसे, तो रावी नदी भी आपके दो हिमखंडों के मिलने से बनती है, आपके ग्लेशियरों के मिलने से बनती है, भादल और तांतगिरी ग्लेशियर। तो रावी नदी निकलती कहां से है, तो रावी नदी निकलती है आपकी बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल कहां पड़ा आपका, ये बड़ा बंगाल पड़ता है आपका कांगड़ा में, कांगड़ा से इसका ओरिजिन हुआ। उसके बाद ये चंबा में प्रवेश करती है तथा चंबा के खैरी नामक स्थान से हिमाचल को छोड़ करके आपकी पंजाब और J&K की सीमा बनाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो रिवर है हमारी वो है यमुना रिवर। यमुना नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 2320 किलोमीटर तथा इसका जो टोटल लेंथ है, मतलब जो इसकी कुल लंबाई है वो है 1525 किलोमीटर तथा हिमाचल में प्रवाह है 22 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी बहने वाली नदी कौन सी है, तो जो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे छोटी नदी बहती है वो है हमारी यमुना नदी, कितने 22 किलोमीटर। तो बात करते हैं कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है, तो यमुना नदी जो निकलती है आपकी वो आपके उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से निकलती है, उत्तराखंड के कालिंद पर्वत यमुनोत्री नामक स्थान, याद रखना यमुनोत्री, यमुनोत्री से आपकी यह यमुना नदी निकलती है। हिमाचल में प्रवेश कहाँ से करती है, तो हिमाचल में प्रवेश करती है ये आपकी सिरमौर के खादर मांजरी से, सिरमौर के खादर मांजरी से यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा छोड़ती कहाँ हिमाचल को, सिरमौर के ही ताजे वाला। अगर मैं बात करूं कि इसका वैदिक नाम क्या है, तो इसका वैदिक नाम है, जैसे भी बताया कि कालिंद पर्वत से निकलती है, इसका वैदिक नाम भी क्या है, कालिंदी। इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है टोंस नदी, और ये बहुत ही जरूरी है। लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि अभ्रक कौन सी नदी में पाया, माइका कौन सी नदी में पाया जाता है, तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, माइका या अभ्रक पाया जाता है, किसमें, टोंस रिवर में। टोंस नदी कैसे बनती है, टोंस नदी भी आपकी दो नदियों के मिलने से बनती है, रूपीन और सुपीन, दो नदियां जो टोंस नदी का निर्माण करती हैं, रूपीन और सुपीन भी आपकी उत्तराखंड से ही निकलती हैं। जो इन नदियों में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़े वो थे आपके क्या क्या, कि कौन सी नदी में आपका यूरेनियम पाया जाता है, तो कौन सी नदी में, आपकी ब्यास की सहायक नदी थी पार्वती नदी, जिसमें क्या पाया गया आपका यूरेनियम। बाकी मैं बात करूं कि एक आपकी नदी यहां छूट गई कि चिनाब नदी में सोना धातु भी पाई जाती है, इसको नोट कर लेंगे कि चिनाब में क्या पाया जाता है, सोना धातु, सोना, माइका और आपका यूरेनियम कौन कौन सी नदी में पाए जाते हैं, तो यूरेनियम किस में पाया गया आपका, पार्वती नदी में यूरेनियम, आपका चिनाब नदी में सोना और आपका टोंस नदी में माइका पाया जाता है। तथा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको ये जो नदियां करवाई गई आपको, ये एक एक नदी आपके विस्तार पूर्वक से होगी, जो कि आपके अलाइड या HS लेवल तक का आपका आपके क्वेश्चन जिससे सॉल्व होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।